हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है और उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हर विश्वासी के लिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन में ये बातें होनी बहुत ज़रूरी है। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक मैंने लिया है आप लोगों के कमेंट से। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कई दिनों से और बार बार कह रहे थे कि भैया आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं, और वो टॉपिक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ या जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो हर विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक नए विश्वासी हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है लेकिन अभी तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, या अभी आप बपतिस्मा लेना नहीं चाहते, या आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को लिया वो यही है कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। ये सारे सवाल मुझे कई बार आप लोगों ने मेरे वीडियोस के कमेंट में आकर लिखा और बार बार मुझसे पूछा कि भैया इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़ हैं कि बपतिस्मा किस समय लेना चाहिए, वो कौन सा समय होता है विश्वासी के लिए जब उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4-5 सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो कि बपतिस्मा लेने से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इन सारे सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए, और ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो कुछ सवालों के जवाब जो मैं आज देने वाला हूँ वो सवाल मैंने आपके कमेंट में से लिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, उसमें से मैंने ये सवाल चुना है और उसका जवाब मैं देने वाला हूँ। और वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, आज के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किस समय लेना चाहिए। सारी बातें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, स्किप करके ना जाएं, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये सारी बातें पहुंच सके और वो भी परमेश्वर के साथ, पवित्रता के साथ चल सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं बपतिस्मा के ऊपर, तो सबसे पहले बहुत सारे मसीह भाई बहनों के मन में एक सवाल आता है। मुझे जो सवाल पूछा गया था, पहला सवाल था, वो सवाल था बपतिस्मा किसे लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि बपतिस्मा किसे लेना चाहिए। देखिए, बपतिस्मा लेने की एक विधि है। बपतिस्मा लेना ऐसे ही नहीं कि आप किसी को देखते हैं बपतिस्मा लेते हुए और आप बपतिस्मा ले लेते हैं। इसके लिए आपको वचन के अनुसार समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मरकुस की किताब और उसका 16 अध्याय के 16 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर वचन साफ रीति से कहता है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, अगर आप ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए बलिदान होकर क्रूस पर मृत्यु सहा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और फिर से आपको लेने वापस आने वाले हैं, तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। बिना यीशु पर पूर्णता विश्वास किया आप बपतिस्मा ना लें, वही आपके लिए सही होगा। किसी को देखा देखी कि भाई आपके चर्च में या आपके परिवार में, आपके आसपास में, दोस्तों में किसी ने बपतिस्मा ले लिया और आपसे कहा कि भाई आपने बपतिस्मा नहीं लिया, इतने साल हो गए, तो आप भी जाकर उसके कहने के अनुसार या दूसरों को दिखाने के लिए आपने बपतिस्मा ले लिया, ऐसा नहीं होना है। बपतिस्मा लेने से पहले आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। किस बात पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारा उद्धार करता है, यीशु एकमात्र उद्धार करता है। जब आपके मन में इस बात का विश्वास हो जाता है तब आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। और दूसरा जो सवाल है, बहुत सारे मसीह विश्वासी के मन में ये आता है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। पहले सवाल में मैंने बताया कि बपतिस्मा किसे लेना चाहिए,
तो विश्वास जो करेगा उसे बत्तीसवा लेना चाहिए। लेकिन बत्तीसवा आखिर क्यों लेना चाहिए, उसके विषय में आज बाइबल के अनुसार हम देखेंगे। देखिए मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बपतिस्मा यीशु मसीह की आज्ञा है। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था जब वो स्वर्ग जा रहे थे, यानी कि जिस समय यीशु मसीह को बादलों पर उठाया गया, जब वो पृथ्वी पर से स्वर्ग जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे अपने चेलों से कहा था। क्या कहा था? अगर मती रची सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 आयत को पढ़ेंगे तो हाँ इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु की आज्ञा है, बपतिस्मा देना यीशु की आज्ञा है, ये बात याद रखिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा दी है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम रोमियो की पत्री में आते हैं, रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे और उसके 6:3-4 को जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जो मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन से चाल चले। मेरे प्रियो, इस वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि हम जो बपतिस्मा लेते हैं, जो यीशु की आज्ञा है, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। यानी जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, अब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि अब हम इस संसार के लिए मर चुके हैं, अपने पापों के लिए मर चुके हैं, और बपतिस्मा के बाद जब हम जल में बपतिस्मा लेते हैं या डुबकी लगाकर जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा ले रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा है। यानी कि हम अपने पाप के लिए मर चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, और जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए थे, उसी प्रकार बपतिस्मा के बाद अब हम नए जीवन में जिलाए जा चुके हैं। अब हम एक नई जिंदगी जिएंगे, हम अब पुराने स्वभाव में नहीं रहेंगे, संसारिक स्वभाव में नहीं रहेंगे, पाप में नहीं रहेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यही है कि बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये यीशु मसीह की आज्ञा है, दूसरी बात हम बपतिस्मा लेकर अपने आप को पवित्र करते हैं, यानी कि संसार के लिए हम मर चुके होते, संसार की बातों के लिए, पाप के लिए, बुराई के लिए हम मर जाते हैं, हम एक नया जीवन पाते हैं और हमारा जीवन आगे नए तरीके से चले। तो ये है बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए। अब तीसरी बात जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मसीह लोग पूछते हैं, तीसरी बात यह, बपतिस्मा कब लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, हम ये मानते हैं कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले रहे हैं, तो अब समय कब हो जब हम बपतिस्मा लें। तो यहाँ पर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा। प्रेरितों के काम उसका 8:36-37 में इस प्रकार से लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों यहाँ की जो घटना है वो मैं घटना आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। ये घटना एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कूश देश का एक मंत्री था और खोजा था, और वो जब यरूशलेम में पूजा के लिए आया था उस समय फिलिपुस उसके पास जाता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से फिलिपुस को पवित्र आत्मा उसके पास भेजते हैं और वो एक किताब पढ़ रहा होता है, यशायाह की किताब। तब फिलिपुस उससे पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है। तब खोजे का प्रधान जो है वो कहता है कि जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। उसके बाद जब वो सारी बातें फिलिपुस बता देता है कि जिस विषय को तू पढ़ रहा है वो उद्धारकर्ता और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है, और जब खोजे को यह बात पता चल जाती तो रास्ते में एक तालाब दिखता है या जल के कुंड दिखता है, वो खोजे का प्रधान कहता है कि अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि मैं सच्चाई को जान गया हूं। और इस प्रकार वहां पर वो बपतिस्मा देता है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने यह मान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो बपतिस्मा ले रहा है। इसीलिए बपतिस्मा आप तब ले सकते हैं जब आपका पूरा विश्वास यीशु मसीह पर हो जाता है। किसी के कहने पर आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, किसी के बोलने पर आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, आपका हृदय खुद आपको गवाही देगा, आपका मन खुद आपसे कहेगा, आपके अंदर का जो पवित्र आत्मा वो आपको बताएगा कि अब तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। आपके अंदर से एक गवाही आएगी, एक अगुवाई आएगी कि अब तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। जैसे उस खोजे के प्रधान को जब लगा कि हाँ
मैं जान गया हूं सच्चा यीशु मसीह के सिवा कोई मेरा उद्धार करता नहीं है और बिना बपतिस्मा के मैं पवित्र जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तब उसने फिलिपुस से कहा कि अब मुझे बपतिस्मा तू दे दे, और उसने कहा ठीक है अगर तू विश्वास करता है तो तुझे बपतिस्मा दूंगा। तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब आपका पूरी तरह से समर्पण प्रभु में हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, तब बपतिस्मा लीजिए। पाप को अपने जीवन में रखकर आप बपतिस्मा ना लें, पहले अपने जीवन को पवित्र करिए, पाप से छुटकारा पाइए, पाप रही जीवन जीने की कोशिश करिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगुवाई करेगा बपतिस्मा लेने के लिए, तब आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथी जो बात है, जो चौथा सवाल है, वो है बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं बड़े धीरे धीरे करके आपको चीजों को बता रहा हूं। यहां पर जो चौथा सवाल यही आया है कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि जो मसीह समाज के अंदर बहुत प्रकार के बपतिस्मा दिए जाते हैं। कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग पानी में डुबो कर बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग तो बचपन में छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से बपतिस्मा दे देते हैं। इसमें से सही बपतिस्मा कौन सा है, कौन से तरीके से बपतिस्मा देने से वचन के अनुसार होता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें वचन के अनुसार देखना होगा। और वचन हमें बताता है कि बपतिस्मा जो है पानी में डुबकी लगा कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों के द्वारा बपतिस्मा हुआ और यरदन नदी में उन्होंने डूबकर बपतिस्मा लिया। इसी प्रकार अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, अगर आप यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 23 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। इस वचन में लिखा यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो उस जगह पे दे रहा था जहां पर बहुत जल था, यानी कि जल में डुबोकर बपतिस्मा दिया जाता है। जल में डुबोकर बपतिस्मा देना बाइबल के अनुसार है, बाकी सारे चीजें बाइबल के अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बपतिस्मा देने के तरीके को बनाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, जल में डुबकी लगाकर बपतिस्मा देना, यही सही तरीका है। और यीशु मसीह के वचन के अनुसार बपतिस्मा किसके नाम से दिया जाना चाहिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, जैसे कि मत्ती 28 के 19 में लिखा है। तो इसीलिए बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कौन ले सकता है, ये सारी बातें मैंने आज के इस वीडियो में बताया। अब आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। ये सारे जो सवाल थे उसका जवाब मैंने वचन से आपको दे दिया। अब बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, 2 मिनट और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है और विश्वास करते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है और हमारे अंदर वो विश्वास आ गया है कि भाई हमारे अंदर से अगुवाई आ रहा है कि अब मैं बपतिस्मा ले सकता हूं, तो आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पानी का बपतिस्मा यानी कि जल में डुबोकर बपतिस्मा लेना है। मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी वो यही है कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस जानकारी के बाद आप समझ पाए हैं कि इस बपतिस्मा के बारे में जो बातें थी, जो आपका सवाल था, उसको मैं क्लियर कर पाऊं। इसीलिए बड़े ध्यान से आप वीडियो को देखा करो, जो चीज मैंने आज वचन में बताया है, जिन जिन वचनों को मैंने आज आपको बताया है, उनको आप दोबारा से पढ़िए, अपने बाइबल खोलिए, पढ़िए, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सके। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, बपतिस्मा लेने के लिए पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।